हेलो गाइस, आज हम करेंगे रिव्यू एपेक्सेल का न्यू 200x माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है, मैक्रो लेंस नहीं है। इसका 200x मतलब इतना मैग्निफिकेशन होगा कि हमको क्या पता नहीं। देखते हैं कैसा क्या होगा ये लेंस। इतना हाई मैग्निफिकेशन वाला लेंस तो मैंने कभी यूज नहीं किया है। इसके अंदर आपको मिलता है एक 200x माइक्रोस्कोप और एक चार्ज करने के लिए एक वायर मिलता है टाइप सी का, एक क्लीनिंग क्लॉथ और एक लेंस बैग। तो ये है माइक्रोस्कोप। आपका ये माइक्रोस्कोप किसी भी फ़ोन में लग जाएगा। अगर आपका फ़ोन का मेन कैमरा 3.5 सेंटीमीटर के अंदर है तो आप आराम से इसको फ़ोन में क्लिप कर सकते हैं। क्योंकि इस माइक्रोस्कोप का ये वाला पार्ट आपका फ्लेक्सिबल है तो आप इसको ऊपर नीचे करके आराम से कोई कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप का एक अच्छा फीचर ये है कि इसके पास एक इनबिल्ट फ्लैश लाइट है। लाइट को ऑन करने के लिए बस आपको प्रेस करना है लॉन्ग प्रेस, और ऑफ करने के लिए भी आपको लॉन्ग प्रेस करना है। अगर आप इसको नॉर्मल प्रेस करते हैं तो इसका ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस माइक्रोस्कोप का टेस्टिंग और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका जो आउटपुट है थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर आ रहा था, हमने ब्लैक बॉर्डर हटाने के लिए थोड़ा सा जूम करना पड़ा हमको 1.5x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैग्निफिकेशन का टेस्टिंग। ओह माय गॉड, ये क्या है, ये कितना खतरनाक दिख रहा है। इस पेपर का सारा आप टेक्सचर देख पा रहे हैं। इस माइक्रोस्कोप को आप किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर रख लीजिए, आपको इतना खतरनाक आउटपुट मिलेगा कि बस बोलिए मत, मेरा तो दिमाग चक्कर खा रहा है ये सब आउटपुट देख के। अभी हम ट्राई करते हैं एक लीफ के ऊपर। ओ माय गॉड, इसका तो लीफ का सेल दिख रहा है, क्या है ये। सोचिए इस पर्स के ऊपर लगाएंगे तो कैसा आउटपुट आएगा। ओ माय गॉड, ऐसा आउटपुट तो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे अपना आँख में देखने के लिए। ऐसा अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस का अगर आप आउटपुट देखना चाहेंगे तो इसमें अच्छा इतना क्लैरिटी नहीं आएगा, क्योंकि जो लाइट है वो बाउंस बैक करेगा आपका कैमरा के अंदर और ऐसा क्वालिटी का थोड़ा सा आउटपुट आएगा। अभी मैंने घर का सारा लाइट बंद कर दिया है और देखिए इसका आउटपुट कितना मस्त आता है। इसका इनबिल्ट जो फ्लैश लाइट है उससे आपका पूरा क्लियर आउटपुट मिलता है, आपका कोई एक्सटर्नल लाइट का जरूरत नहीं है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो मैक्रो कैपेबिलिटी है बहुत है, और इसको आपको पूरा सरफेस के ऊपर लगा के रखना पड़ेगा, मतलब फोकस डिस्टेंस 0 के बराबर है। और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए। अगर कर्व्ड सरफेस होगा तो आप इसमें आउट ऑफ फोकस इमेजेस आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो फोकस डेप्थ है बहुत ही कम है। फ्लैश लाइट को आप चार्ज कर सकते हैं एक यूएसबी केबल के द्वारा। तो कैसा लगा ये माइक्रोस्कोप फोन के लिए, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय करने के लिए इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वीडियो के नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।